तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ओनली एक वन वन व्यूअर्स का कमेंट का ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो दोस्त ने जो कमेंट किया है आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो चलिए ये पोजीशन का जो रेजिस्टेंस नंबर है मेरा पास जो पीसीबी है इसका ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर करूँगा। पर दोस्तों ये कमेंट का अंदर वो दोस्त ने क्लियर करके नहीं बताया कि उसका पास कौन सा चासिस का पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सेम टू सेम पीसीबी मिल जाएगा तो ये सेम टू सेम चासिस होगा तो कोई बात नहीं। जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो दोस्त का बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका भी फ़ायदा मिलेगा। इस तरह जो एलजी चासिस का अंदर एबीएल सेक्शन का अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो, क्योंकि दोस्तों एबीएल सेक्शन का अंदर फॉल्ट हो जाएगा तो लाइट कम आएगा, स्क्रीन का अंदर प्रॉपर नहीं आएगा। हो सकता है एक दिन दो दिन और एक सप्ताह दो सप्ताह एक महीना दो महीना का बाद भी ESD फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और एबीएल लाइन फॉल्ट का वजह तो दोस्तों नो लाइट भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक लाइन है तो इसका ऊपर थोड़ा सा आपको जो लाइन का पार्स और वोल्टेज ये लाइन का अंदर देखा जाता है, ये आपको वीडियो के अंदर क्लियर करके देखाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों ये पीसीबी का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये पीसीबी का जो मेन प्रोसेसर इस यहाँ पर है TDA TPL 105 PS/N3/3/AE7, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। भाटी कैमरा पर क्लियर चासिस का जो वर्टिकल IC 78041 हो सकता है, ठीक है। तो 78040 भी हो सकता है। और दोस्तों इसका साउंड IC देखिए, इस तरह साउंड IC है। तो पूरा नंबर आपको डिटेल सब कुछ बताऊंगा तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और ये पोजीशन पर दो रेगुलेटर IC है, एक तो दोस्तों यहाँ पर तीन टांग वाला रेगुलेटर और यहाँ पर एक तीन टांग वाला रेगुलेटर। और दोस्तों ये पोजीशन देखिए, ये चारों पिन वाला रेगुलेटर है, ठीक है, ये पोजीशन। तो और दोस्तों ये जो चासिस का ESD स्टिकर मेन स्टिकर ये गायब हो गया। और दोस्तों ये जो नंबर लिखा है ये ESD नंबर नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 6006M का ये ESD है, ये बड़ा साइज का LG का ESD है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आओ दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो, ये वीडियो ओनली मैं बना रहा हूँ कि एक व्यूअर्स कमेंट किया है कि एक LG TV का जो ESD फायरिंग प्रॉब्लम उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया। तो एक्चुअली वो चैसिस नंबर क्या है मेरा याद में नहीं है। और दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी पुराना भी वीडियो मैं जब यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ वो नेक्स्ट टाइम खुद का चैनल का वीडियो खुद देखना माना है, क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब का एक गाइडलाइन है। और खुद का वीडियो जब वो देखेगा तो आपका चैनल भी बर्बाद हो सकता है, मतलब मेरा चैनल भी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए मैं न्यू वीडियो के अंदर मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो एक व्यूअर्स कमेंट किया है कि वो टीवी का मतलब LG चैसिस ही हो सकता है, बट उसका चैसिस नंबर भी वो दोस्त नहीं बताया। वो बताया कि सर LG TV का जो पोजीशन नंबर रेजिस्टेंस पोजीशन नंबर पोजीशन 405 और 409 रेजिस्टेंस वैल्यू आपने बोला 2.7 के बट। तो चलिए मैं ये वीडियो के अंदर और क्लियर करके देखूंगा कि वो पोजीशन का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। तो ज़रूर वो PCB मेरा पास जिस टाइम था मैं वो PCB के अंदर जितना नंबर मैं देखा वही शेयर किया। तो आज आपको देखूंगा, हो सकता है ये सेम PCB हो सकता है, हो सकता है अलग, तब भी मैं अभी इसी टाइम मेरा पास जो PCB है तो इसका चैसिस नंबर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चैसिस नंबर जो ESD है, ESD का पीछे चैसिस नंबर देखा जाता है। तो चैसिस नंबर का ऊपर उसका जो पोजीशन नंबर सबका पास सेम होना चाहिए। तो अब अच्छा करके देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ये ESD का ये जो पीछे पोजीशन यहाँ पर चैसिस नंबर लिखा है। तो अच्छा करके क्लियर आता है कि नहीं तब भी मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए CP79A चैसिस, तो ये चैसिस होना चाहिए CP79A, ठीक है। ये चैसिस मेरा पास स्टॉक है अभी इसी टाइम। और मैं ये जो पोजीशन देखी, ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया अभी चेक करने के लिए, ओनली आपको दिखाने के लिए। ये पोजीशन देखिए R409, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है R409, ठीक है, ये पोजीशन। अब अच्छा करके देखिए R409, तो ये जो रेजिस्टेंस देखिए नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ठीक है। और ये एक लाइन चला गया ऊपर से, आपको सब कुछ क्लियर करूँगा बट आपको और क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है और उसका ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है
ये एक सप्लाई लाइन के सप्लाई लाइन से सप्लाई इधर आता है, ठीक है। और ये जो सप्लाई प्लस बी मतलब ईएसटी सप्लाई लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस बी सब सब लिखा है, ईएसटी सप्लाई लाइन है और यहाँ से वोल्टेज इधर आता है और ये मेन लाइन का साथ एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर दिया गया है। तो जिस सप्लाई से रेजिस्टेंस इधर सप्लाई आता है, ये रेजिस्टेंस का जो पोजीशन नंबर आर फोर वन फोर, ठीक है, R414, तो ये वैल्यू भी जानना जरूरी। बट दोस्तों ये R410 मतलब 410, ठीक है, ये जो पोजीशन है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू भी आपको बताऊंगा और ये रेजिस्टेंस वैल्यू बताऊंगा। और दोस्तों R05 जो रेजिस्टेंस है, ये पोजीशन पर नहीं है। तो R05 जो रेजिस्टेंस है, आपको दिखाता हूँ ये कौन पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आप फॉलो कीजिए कि दोस्तों ये 110 वोल्ट का जो लाइन है, जो चॉपर से सप्लाई आता है, देखिए दोस्तों एक्चुअली ये जो चॉपर है, चॉपर का ये पिन से 110 वोल्ट आउटपुट होता है। बीच में एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट डायोड है, जो ईएसटी सप्लाई वोल्टेज का लाइन का डायोड है। और यहाँ से यहाँ तक एक पीएफ है जो पैरेलल, ये डायोड के साथ पैरेलल है। तो यहाँ पर 110 वोल्ट आता है, ठीक है। और यहाँ से इधर एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल से वोल्टेज आउटपुट होता है और ये पॉइंट पर आता है और यहाँ से सप्लाई, बीच में एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, बीच में एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है और यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई ईएसटी पर जाता है, ठीक है, ईएसटी पर जाता है। तो ये लाइन है। बट दोस्तों देखिए ये जो ईएसटी सप्लाई का लाइन है, यहाँ पर देखिए ये बाएं साइड दो रेजिस्टेंस कनेक्शन है ईएसटी सप्लाई लाइन से। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू R401 और इसका ऊपर जो रेजिस्टेंस है R405, ठीक है, R405। अब पाँच चार के देखिए R405, ये जो रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बताऊंगा और यहाँ पर कितना फल आना चाहिए ये भी आपको मेजर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट चलिए ये तो मैं ओपन किया आपको दिखाने के लिए और इसका वैल्यू मेजर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये जो लाइन जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ABL लाइन प्रॉब्लम जब हो जाता है ये सब वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन का अंदर एक रेजिस्टेंस है। जो दोस्तों ये रेजिस्टेंस देखिए, पूरा ABL जो लाइन है ये ABL लाइन का साथ कनेक्शन है और ESD का ये पिन दोस्तों ABL पिन है, ठीक है। ये जो ABL पिन ABL वोल्टेज आउटपुट होता है, इसका साथ ये लाइन का जो रेजिस्टेंस है इसका साथ कनेक्शन है। और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चलिए मैं आपको बताता हूँ, R411, ठीक है, देखिए R411, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी जानना जरूरी है, ठीक है। और ये जो सप्लाई लाइन जा रहा है, तो दोस्तों इसका अंदर भी बहुत कुछ रेजिस्टेंस है, तो एक एक बताना संभव नहीं है। तब भी मैं कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट आना चाहिए मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। और दोस्तों ये पीसीबी को मैं बाहरी टेस्ट करूंगा, कुछ भी पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन नहीं करूंगा, कि दोस्तों ये टेस्टेड पीसीबी है। तो फर्स्ट चलिए दो रेजिस्टेंस वैल्यू आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका नीचे जो पोजीशन का रेजिस्टेंस है R409, ठीक है, R409, ये रेजिस्टेंस वैल्यू आपको बताता हूँ और प्रैक्टिकली चलिए मीटर लेके मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस को मैं अभी ओपन किया, ठीक है। तो अभी ये R409 ये जो रेजिस्टेंस है, तो देखिए ये मैं पीसीबी को R409 नीचे है। तो दोस्तों ये जो नीचे पोजीशन, ये जो रेजिस्टेंस है, इसका अंदर दो रेड टाइप रेजिस्टेंस ये जो देखा जाता है, ये नीचे पोजीशन, इसका कलर कोड तो दोस्तों ये रेड रेड और उसके बाद दोस्तों ऑरेंज लग रहा है, ठीक है। आप कलर अच्छा कैमरा पर ये आता है कि नहीं आप खुद भी एक बार देख सकते हो, बट ये रेड रेड ऑरेंज ये लग रहा है। तो इसका मतलब होगा कि 22K का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 22K का ये रेजिस्टेंस
हो सकता है, मीटर लेके चेक करूँगा इसका पोजीशन वैल्यू R409। तो चलिए मैं मीटर को रेजिस्टेंस, चलिए दोस्तों मैं मीटर को रेजिस्टेंस मोड पर सिलेक्ट किया और इसका वैल्यू कितना है, तो दोस्तों ये 21.8 ये शो हो रहा है। तो मतलब ये 22 के का रेजिस्टेंस इसका कलर कोड देख के जो पता चलता है, देखिए 21.8 मतलब ये 22 के का ये रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों बात चार के देखिए, ये 22 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा चलिए इसका ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू भी चेक करके देख लेता हूँ। ये दोस्तों 68 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 68 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस को मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद आपको सप्लाई देके एक बार वोल्टेज चेक करके देखाऊँ। दोस्तों ये पीसीबी का वोल्टेज प्रॉब्लम होगा तो मैं जिस तरह वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि पीसीबी को पूरा मैं बाहरी टेस्ट कर रहा हूँ, आप इस तरह एक बार टेस्ट करके देखिए। इसका बेस बोर्ड मैं इस तरह बाहर साइड कर दिया और इसका जो फाइनल एनोड, तो दोस्तों ये फाइनल एनोड को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, इसका एसी कॉर्ड कनेक्शन है और मीटर को मैं डीसी रेंज पर चलिए सिलेक्ट कर देता हूँ। डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया। चलिए दोस्तों फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई देख के एक बार देखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और फर्स्ट टाइम आपको देखाऊंगा ईएसटी सप्लाई कितना वोल्ट। दोस्तों ईएसटी सप्लाई अभी देखिए 113 वोल्ट, मीटर पूरा फॉलो कीजिए, ठीक है। ईएसटी सप्लाई अभी 113 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अभी देखिए 13 वोल्ट, ओनली 13 वोल्ट। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपको ओपन करके दिखाया 13 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, चलिए मीटर का लाइट ऑन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एसटी सप्लाई है 113 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस का पास जो वोल्टेज आना चाहिए 13.4, इस तरह वोल्टेज शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फॉलो कीजिए। तो चलिए और उसके बाद मैं देखूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस R405, इसका पहले तो दोस्तों ये 110 वोल्ट जो ईएसटी सप्लाई है, ठीक है, अब मीटर पर ध्यान दीजिए कि ईएसटी सप्लाई अभी देखिए 113 वोल्ट है और इसका जो R05 जो रेजिस्टेंस है उसका पास कितना वोल्ट, तो दोस्तों यहाँ पर भी 113 वोल्ट है, ठीक है। और उसका नीचे जो रेजिस्टेंस है R401, वो रेजिस्टेंस का पास कितना वोल्ट, 31 वोल्ट, ठीक है, 31 वोल्ट। फिर भी आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों मेन सप्लाई जिस पॉइंट से वोल्टेज जाता है ईएसटी सप्लाई लाइन 113 वोल्ट और R05 वो रेजिस्टेंस का पास कितना वोल्ट, 113 वोल्ट, ठीक है। और ये उसका नीचे R401 वहाँ पर जो वोल्टेज 31 वोल्ट, ठीक है। तो इसी टाइम आपको कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज देखूंगा ये पीसीबी का, कि जो एवीएल लाइन का अंदर वोल्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा वोल्टेज गड़बड़ मिलेगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है ईएसटी भी हर बार ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सप्लाई लाइन जा रहा है देखिए बीच में, ये जो एबीएल लाइन का साथ जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 13.4 वोल्ट और जो एबीएल लाइन पर जो वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए यहाँ पर भी 13.4 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये एबीएल पिन लाइन का साथ कनेक्शन है, ये एबीएल पिन है, ठीक है।
तो और क्या देखेंगे, ये पोजीशन वोल्टेज आपको सही देखने को मिलना चाहिए, नहीं तो ये जो लाइन जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 13.4 वोल्ट, और उसका बाद जो वोल्टेज यहाँ पर दोस्तों 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आप अच्छा करके देखिए, ये जो पोजीशन रेजिस्टेंस है यहाँ पर 8 वोल्ट मिल रहा है। तो ये ABL लाइन का वोल्टेज है, और ये लाइन बहुत बहुत घुमा के इधर उधर चला गया दोस्तों। इतना सब कुछ मैं एक वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और चलिए अभी EST ऑन है कि नहीं है, एक बार ये 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये 180 वोल्ट लाइन है, देखिए अभी 19 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट का आसपास शो होना चाहिए, क्योंकि मैं ये कॉइल कनेक्शन नहीं करके रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कॉइल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो EST ऑन है कि नहीं है, कि चलिए मैं इसका वर्टिकल सप्लाई देखने के बाद पता चलेगा कि दोस्तों ये जो वर्टिकल का सप्लाई लाइन है, देखिए +14 वोल्ट मौजूद है। ठीक है, +14 वोल्ट मौजूद है, और जो माइनस वोल्टेज होना चाहिए, देखिए -14 वोल्ट मौजूद है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, तो इसका मतलब इसका EST बन रहा है। ठीक है, और ये जो ये LG का जो 180 वोल्ट लाइन पर ये जो वोल्टेज 99 शो हो रहा है, तो दोस्तों जब EST नहीं बनेगा तो ये वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, EST नहीं बनेगा तो। ठीक है, तो इसी टाइम चलिए ये सेट का जो ड्राइवर वोल्टेज, ठीक है, ड्राइवर वोल्टेज, ड्राइवर सप्लाई वोल्ट कितना होना चाहिए, देखिए 37 वोल्ट, ये PCB का ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर देखिए 37 वोल्ट। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद आपको एक बार बताऊंगा कि देखूंगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, चलिए अभी वोल्टेज 110 वोल्ट लाइन के अंदर स्टोर है कि नहीं है, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। मैं सप्लाई तो ऑफ कर दिया, कि यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों देखिए अभी 13 वोल्ट इस तरह वोल्ट शो हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ये जो EST सप्लाई है, तो EST सप्लाई से नेगेटिव का साथ थोड़ा सा शॉर्टिंग करेगा तो ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा। चलिए मैं शॉर्ट कर दिया। और अभी EST सप्लाई लाइन पर कितना वोल्ट, देखिए अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब थोड़ा सा 0.1 वोल्ट ये हो सकता है। तो अब थोड़ा सा रुकिए दोस्तों, मैं EST सप्लाई लाइन के साथ जो ग्राउंड ट्वीजर लेके मैं शॉर्ट कर दिया। और अभी ये जो EST सप्लाई लाइन, देखिए अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो इसी टाइम ऊपर से ही टेस्ट करके दिखाता हूँ, अभी मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ, कि रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाऊंगा। ठीक है, कि कौन सा वैल्यू जो दोस्त ने कॉमन किया है, R405, तो R405 का रेजिस्टेंस पर टच करने के बाद कितना ओम्स देता है। तो दोस्तों ये 500+ ओम्स शो हो रहा है। ठीक है, ओम्स, ओम्स का सिंबल आप देख सकते हो, 516 ओम्स ये शो हो रहा है PCB कनेक्शन कंडीशन पर। बट ओपन करके मापेगा तो थोड़ा सा इसका रेंज इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये मीटर कॉइल घुमा के भी एक बार चेक करके दिखाता हूँ। R405, ठीक है, ये पोजीशन नंबर रेजिस्टेंस है। मीटर कॉइल घुमाने के बाद इसका ओम्स देखिए, 500+ ओम्स। ठीक है, तो मतलब ये जो ओम्स 500 ओम्स के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, और इसका नीचे जो रेजिस्टेंस है R401, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ये दोस्तों 26 किलो ओम्स का आसपास, के रेंज मीटर पर शो हो रहा है 26 किलो ओम्स का। ठीक है, 627, ठीक है, 26.9 ये शो हो रहा है। तो चलिए मीटर कॉइल को घुमा के एक बार देखता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये भी 25.8, तो मतलब 27 का आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि PCB कनेक्टिंग कंडीशन पर कुछ भी रेजिस्टेंस आप चेक करेगा तो क्या होता है कि इसका घुमा के अलग अलग पास का साथ जो कनेक्शन होता है उसका कुछ रीडिंग भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा कोई मीटर नहीं है कि आप कुछ भी रेजिस्टेंस चेक करेगा तो वो प्रॉपर कनेक्शन दिखाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पास का साथ जो कनेक्शन होता है उसका रीडिंग भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और अभी इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा, ये जो रेजिस्टेंस है, जो ABL लाइन का रेजिस्टेंस है, इसका ओम्स कितना है, ये
आप ओपन करके चेक करेगा तो थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट आपको पीसीबी का साथ जो कनेक्शन पर ये जो मिलता है आपको दिखाता हूँ 5.4K, ठीक है। तो 5.7K हो सकता है ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो ABL लाइन का साथ और ये जो सप्लाई लाइन, ठीक है, ये जो सप्लाई लाइन का साथ जो रेजिस्टेंस ABL लाइन का साथ कनेक्शन है, इसका वैल्यू कितना सो हो रहा है, तो दोस्तों ये 0.9 किलो ओम्स, ठीक है। मतलब दोस्तों ये 1K रेजिस्टेंस ये सो होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1K होना चाहिए। तो चलिए मीटर घुमा के भी एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी इस तरह से हो रहा है 0.989, मतलब दोस्तों ये 1K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब पोजीशन को अच्छा करके फॉलो कीजिए, मैं कौन पोजीशन पर दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ये जो चैसिस है, ये चैसिस नंबर भी आपको क्लियर करके दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों मैं और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल मेरा तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका अंदर एक वार्निंग स्ट्राइक आ गया, इसलिए ये कब डिलीट हो जाएगा मुझे को मालूम नहीं है, बट ये डिलीट हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक न्यू चैनल बनाया, वो चैनल का लिंक, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स 4M नाम का चैनल का लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा हूँ। तो दोस्तों अभी वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।